नमस्कार, कैपरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल थेरेपी और कैपरी स्पाइन क्लिनिक से मैं डॉक्टर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन 15 एक्सरसाइज की जो आप टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब टीकेआर घुटना बदलवाने के बाद आप घर पर खुद ही कर सकते हैं। यदि ये 15 एक्सरसाइज आप प्रॉपरली खुद घर पर करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी रिकवरी होगी। ये एक्सरसाइज आपको सुबह और शाम हर बार 10-10 बार करनी है। इन एक्सरसाइज को आराम से धीरे जेंटली और स्लोली करना है। इन एक्सरसाइज को करते समय या करने के तुरंत बाद आपको किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का स्ट्रेस या स्ट्रेन आने की संभावना है और वो भी थोड़ी देर बाद खुद ही चले जाना चाहिए। ओवरडू नहीं करना है आपको इन एक्सरसाइज को। याद रखिए, इन एक्सरसाइज को करते समय या करते बाद आपको दर्द नहीं आना चाहिए। आराम से धीरे धीरे स्लोली एक्सरसाइज को करना है। इन एक्सरसाइज को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश है, जिसका की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन एक्सरसाइजेस को करते समय उन बातों का जरूर ध्यान रखें। बिस्तर पर सीधा लेटने के बाद में आपको दोनों पंजों को ऊपर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर नीचे लेके आना है, होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर ऊपर और नीचे करते रहिए। चाहे तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पैरों में सूजन नहीं रहती और काफ मसल्स के अंदर पंपिंग होती रहती है, जिसकी वजह से आपके पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया से मेंटेन रहता है। आप बेड पर सीधा लेट जाएंगे और एक घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। अफेक्टेड घुटने के नीचे टॉवल का इस तरीके से रोल बनाकर आप रखेंगे। टॉवल को घुटने के नीचे रखने के बाद में अफेक्टेड घुटने को बेड की तरफ दबाएंगे और बेड की तरफ दबाते टाइम आप ध्यान रखिए कि पंजे को आपको ऊपर खींच के रखना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ढीला छोड़िए। बिस्तर पर सीधा लेटने के बाद एक घुटने को आप मोड़ लेंगे, उसके बाद अफेक्टेड नी वाले लेग के नीचे आपको एग्जैक्टली एंकल के नीचे ये टॉवल रखना है। अफेक्टेड नी को थोड़ा सा मोड़ेंगे, बहुत थोड़ा सा मोड़ना है आपको, और उसके बाद हील से टॉवल को बेड की तरफ दबाना है। ऐसा दबाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पेल्विक आपका ना उठे और ये पैर आपको इसी तरीके से मोड़ के रखना है। अब हील से नीचे की तरफ दबाइए और 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड कीजिए, ढीला छोड़िए। फिर से हल्का सा घुटना मोड़ के रखिए और 5 सेकंड के लिए इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। बेड पर सीधा लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को हिप मसल्स के पीछे रख लें ताकि आप उसे महसूस कर पाएं कि वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं। हाथ रखने के बाद आपको दोनों मसल्स को टाइट करना है, स्क्वीज करनी है ग्लूट्स मसल्स को, और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर से टाइट कीजिए पूरा और ढीला छोड़िए, फिर से टाइट कीजिए। 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है आपको हर बार, और फिर ढीला छोड़ दीजिए। बिस्तर पर सीधा लेटने के बाद एक घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि आपका पेल्विक स्टेबलाइज हो जाए। अफेक्टेड लेग के पंजे को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखेंगे, घुटने को टाइट करेंगे और फिर अफेक्टेड लेग को 45-50 degrees जितना आप कंफर्टेबली उठा सके होल्ड करेंगे और इसे 5 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड करना है। फिर वापस ले जाएं, पंजे को घुटने को ढीला छोड़ दीजिए, फिर से पंजे को ऊपर खींचिए, घुटने को टाइट कीजिए और ऊपर उठाकर यहाँ 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर इसको वापस ले जाइए। बेड पर सीधा लेटने के बाद में घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे और कोई भी दुपट्टा, बेल्ट या पट्टा अपने पंजे से बांध लेंगे। इसको बांधने के बाद अपने दोनों हाथों से इसे कस के पकड़ लेंगे और इसे बेल्ट के सहारे धीरे धीरे ऊपर बेंड करेंगे। हील आपकी बेड पर ही रगड़ेगी और फिर वापस लेके जाएंगे। वापस ले जाते टाइम पे आपको हाथ से रोकना है बेल्ट को और फिर धीरे धीरे वापस जाने देना है।
फिर से घुटने को मोड़िए और बेल्ट की मदद से इसको ऊपर की तरफ पुल कीजिए और फिर पैर को धीरे धीरे सीधा कीजिए। सीधा करते टाइम पे बेल्ट को ढीला मत छोड़िए, थोड़ा रेजिस्टेंस आने दीजिए वापस जाने के लिए। तो इसका मतलब जब आप मोड़ रहे हैं तो आप ऊपर खींच रहे हैं और जब आप सीधा कर रहे हैं तो आप रोक रहे हैं, आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रहे हैं। बेड पर सीधा लेटने के बाद दोनों घुटनों को थोड़ा सा हम मोड़ेंगे ताकि पेल्विक स्टेबलाइज हो जाए और हाथ अपना कमर के नीचे रखेंगे। कमर के नीचे हाथ रखने के बाद अपने पेट की मसल्स को इस तरीके से टाइट करेंगे कि आपके हाथ के ऊपर आपको कमर से दबाव महसूस हो। टाइट कीजिए, रिलैक्स, फिर से दबाइए, अपने हाथ को कमर से नीचे दबाइए और ढीला छोड़िए। ऐसा करते टाइम पे आपको अपना सांस नहीं रोकना है, सांस आपको रेगुलर तरीके से ही लेते रहना है। टाइट कीजिए, सांस लेते रहिए, हाथ के ऊपर से प्रेशर छोड़िए, फिर से दबाइए हल्का सा और फिर ढीला छोड़िए। इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं आप और नॉर्मली सांस लेते रहना है। बेड पर सीधा लेटने के बाद आपको अफेक्टेड लेग को अपने आप बाहर लेके जाना है इस तरीके से, और चाहे तो आप थोड़ा सा उठाकर भी लेके जा सकते हैं। उठा के लेके जाइए, थोड़ा सा लेके आइए बाहर, और बाहर लेके आइए, अंदर फिर लेके आइए। ले जाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पैर इस तरीके से बाहर ना घूमे, आपको पैर को सीधा ही रखना है और बाहर लेके आना है। आपको इस तरीके से घुमाते हुए बाहर नहीं लेके आना है, ये गलत हो जाएगा। सीधा रखिए, अपने आप बाहर लेके आइए और लेके आइए, वेरी गुड, अंदर ले जाए, गुड। इसमें आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बेड पर सीधा लेटने के बाद में आप कोई भी दुपट्टा या बेल्ट या पट्टा ले सकते हैं और इस तरीके से पंजे में रख के अपने दोनों हाथों में उसके दोनों सिरे पकड़ लें दोनों हाथों से, और बिना घुटना मोड़े अब आपको इसे अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना है। इतना खींचना है कि आपको पीछे काफ की तरफ यहाँ स्ट्रेच फील होना चाहिए। आप अपने इसे कंफर्ट के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा करीब 5 सेकंड के लिए आप इसे होल्ड करें और फिर इसे ढीला छोड़ दें। फिर से ऊपर की तरफ खींचिए, कसकर खींचिए और फिर इसे ढीला छोड़ दीजिए, फिर से कसकर खींचिए इसको और फिर ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये बेल्ट आपकी उंगलियों के ऊपर ना आए या आपकी एड़ी के ऊपर ना आए, ये बेल्ट आपके उंगलियों और एड़ी के बीच में आनी चाहिए। ऊपर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर इसको ढीला छोड़ देंगे। बिस्तर में साइड लाइन या करवट लेटने के बाद आपको दोनों घुटने थोड़े से मोड़ लेने हैं, पंजे को पंजे के ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपनी कमर को रोटेट नहीं करना है। फिर ऊपर वाले घुटने को नीचे वाले घुटने से अलग करेंगे हवा में उठाकर और फिर वापस लेके जाएंगे। फिर से उठाइए और वापस लेके जाएं। ये करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर पीछे या आगे की तरफ ना घूमे। ये हिप जॉइंट और एंकल आपका फिक्स रहेगा, दोनों घुटने आपको सेपरेट करने हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ करवट लेके आपको दूसरे घुटने के लिए भी 10 बार एक्सरसाइज करनी है। हमारे घुटने के आगे एक फ्लोटिंग बोन होती है जिसे हम पटेला बोलते हैं, ये घुटने का ही एक पार्ट होता है। इसको भी मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको आप दोनों उंगलियों से साइड बाय साइड या ऊपर नीचे फील कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये काफ़ी स्टिफ हो जाता है, तो इसे मोबिलाइज करने के लिए एक हाथ से पहले अपने घुटने की हड्डी को स्टेबलाइज करेंगे और दूसरी उंगली से धीरे से इसे साइड में इस तरीके से पुश करेंगे। पुश करते टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, दर्द नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप बाहर से घुटने को स्टेबलाइज करेंगे और अंदर से धीरे धीरे इस हड्डी को बाहर की तरफ धक्का देंगे। इसी तरीके से आप ऊपर से आप नीचे की तरफ इसे धक्का दे सकते हैं तथा नीचे से आप हल्के हाथ से ऊपर की तरफ धक्का दे सकते हैं। ध्यान रखें कि इसको आप पीछे की तरफ धक्का ना दें,
पीछे की तरफ धक्का देने से आपका दर्द बढ़ सकता है, इसलिए आप इसे पकड़ें और ऊपर की तरफ धक्का दें। इसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे धक्का देंगे तो पीछे की तरफ धक्का ना दें, नीचे की तरफ आपको धक्का देना है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको खाली साइड में या ऊपर नीचे खाली धक्का देने से नहीं मिलता है, आपको इसे डायगोनली भी पुश करना चाहिए। तो अब मैं ऊपर और साइड के बीच में मैं इसको रख के नीचे डायगोनली मैं इसको पुश कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है डायगोनली पुश करने पर आपको बहुत अच्छे और तेज रिजल्ट मिलते हैं। और इसी तरीके से जैसे ऊपर से नीचे, अब चारों तरफ से आप डायगोनली से पुश कर रहे हैं, अब नीचे से भी ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से इस तरफ भी आप इसको पुश करेंगे। तो आपने साइड से ऊपर नीचे डायगोनली आपने चारों तरफ से इसको धीरे धीरे पुश करना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, साइड में जाना है आपको जब भी जाना है। बिस्तर में साइड लाइन या फिर करवट लेने के बाद आप लोअर लेग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और फिर ऊपर वाले लेग को हवा में धीरे धीरे ऊपर की तरफ खुद उठाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। मैं एडवाइस करूंगा कि ये वाली एक्सरसाइज आप दोनों लेग से 10-10 बार करें, एक बार इस साइड करवट लेके, फिर दूसरी तरफ करवट लेके, फिर से ऊपर उठाएं और वापस ऊपर। आप 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और ध्यान रखना है कि ऊपर उठाते टाइम पर आपका हिप रोटेट ना करे पीछे या आगे की तरफ, आप ये एकदम बिल्कुल सीधा रहेंगे और लेग को भी हवा में सीधा ऊपर उठाएंगे, रोटेट नहीं करना है आपको। नीचे लेके जाएं, फिर ऊपर लेके आए। इस तरीके से 10 बार करने के बाद आप इसी तरीके से दूसरी साइड से भी 10 बार करेंगे। किसी भी टेबल या चेयर पर इस हाई सिटिंग पोजीशन में बैठने के बाद में ग्लूट मसल्स को टाइट करेंगे और फिर पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे और पंजे को ऊपर खींचेंगे। यहाँ पर आप 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद नीचे लेके जाएंगे और ग्लूट मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। फिर से ग्लूट मसल्स को टाइट करेंगे और अब दूसरे वाले पैर को हवा में ऊपर उठाएंगे और पंजे को ऊपर खींच के रखेंगे। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर नीचे। इस तरीके से ऑल्टरनेट लेग को आप ऊपर नीचे करते रहेंगे। इसको करते टाइम पे आपको याद रखना है कि ग्लूट मसल आपकी लूज ना हो, आप होल्ड करके रखें उसके कॉन्ट्रैक्शन को, और ऊपर उठाते टाइम पर पंजे को ऊपर की तरफ खींच के रखें। आप बिस्तर पर इस तरीके से लेट जाएंगे कि घुटने आपके बिस्तर से बाहर हों और पैर नीचे की तरफ लटके हों। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के पीछे रखेंगे ताकि आप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकें। ग्लूट मसल्स को टाइट करेंगे और अपने पंजे को बाहर की तरफ घुमा के पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे और फिर वापस नीचे। ग्लूट्स को ढीला छोड़ देंगे, फिर से ग्लूट्स को टाइट करेंगे, पंजे को बाहर घुमाएंगे और पैर को सीधा ऊपर और नीचे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्लूट्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए, और जब आप पैर को ऊपर उठाएं तो आपकी थाई मसल्स बाहर नहीं घूमनी चाहिए, वो आपकी सीधी रहेगी। सिर्फ पंजे को बाहर की तरफ घुमाना है और ऊपर की तरफ लेके आना है। इन सभी एक्सरसाइज को करने के बाद में एक कोल्ड पैक को लेके आप पतले कपड़े में लपेट कर अफेक्टेड नी जॉइंट के ऊपर रख लेंगे और इसको किसी दुपट्टे या किसी चीज से बांध देंगे। हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद ये एक अच्छा आइडिया है कि आप कोल्ड पैक लगाएं 10 मिनट के लिए। अगर आपको दिन में बाद में भी दर्द रहता है तो दिन में 3-4 बार हर बार 10 मिनट के लिए कोल्ड पैक अफेक्टेड नी के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो घुटना बदलने के बाद आपको 3-4 हफ्ते तक करनी है। इसके अलावा और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात कि आपको अपनी वॉकिंग स्टिक नहीं छोड़नी है जब तक आपके ऑपरेटिंग सर्जन उसको छोड़ने के लिए ना बोल दें। दूसरी बात, आपको बहुत ज्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, बहुत ज्यादा स्टेयर्स नहीं उतरनी है, बहुत लंबी लंबी वॉक पे नहीं जाना है, और अगर ऐसा करना भी चाहते हैं तो पहले अपने ऑपरेटिंग सर्जन से बात जरूर कर लें। आपको स्क्वैटिंग नहीं करनी है, मतलब कि उकड़ू नहीं बैठना है, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी है,
और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फोर्सफुल नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है और ये एक्सरसाइज सुबह शाम जरूर करनी है ध्यान से। ये एक्सरसाइज 3 से 4 हफ्ते के लिए, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, 4 हफ्ते के बाद आपकी एक्सरसाइजेस बदल जाएंगी और वो कौन सी एक्सरसाइज होंगी वो हम आपको अगले वीडियो में और विस्तार से बताएंगे। यदि किसी भी वजह से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप हमारी वेबसाइट caprispine.com पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। इसमें वहां पर आपको एक फॉर्म नजर आएगा जो कि आपको भरना होगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उस फॉर्म में अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें बताएं ताकि हम आपकी तकलीफ को, आपकी परेशानी को अच्छे से समझ सकें और उसके बाद हम आपके हिसाब से बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड वीडियो क्लिप्स जिसमें एक्सरसाइजेस का डेमोंस्ट्रेशन रहेगा आपको ईमेल के जरिए भेज सकेंगे। और आप हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपके साथ आपकी तकलीफ के बारे में और भी ज्यादा आपसे डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है और आपके एक्सरसाइजेस को भी हम और ज्यादा विस्तार से चेक कर सकेंगे ताकि आपको घर बैठे वैसे ही रिजल्ट मिले जैसे रिजल्ट आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाकर मिलते हैं। और यदि आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को या जिस किसी को भी इस चीज की परेशानी है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जरिए उनको भी ये फायदा पहुंच सके। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद में बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली सारी वीडियो का अपडेट आसानी से मिलता रहे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून ऑन सम अदर टॉपिक।